अनोखी वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कहां थाने में दुल्हन के लिबास में पहुंची महिला जमकर किया हंगामा, वीडियो हुआ वायरल। कहां यूट्यूबर को बाइक पर स्टंट बाजी पड़ गई भारी, पुलिस ने किया एक्शन। कहां 46 साल पुराना पुल हो गया धड़ाम, गिरते हुए पुल का वीडियो कैमरे में किया गया कैद। शुरुआत करते हैं यूपी के हमीरपुर से आए हैरान कर देने वाले वीडियो के साथ, जहां एक शादीशुदा महिला प्रेमी से शादी की अर्जी लेकर कोतवाली पहुंची और सीओ के सामने हंगामा करने लगी। महिला ने कुर्सियां पटकी, मोबाइल तोड़ा और जमीन पर लोटपोट होकर चीखने लगी। महिला पर काबू पाने में पुलिस वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। परिजनों ने बड़ी मुश्किल से महिला को काबू किया और अपने साथ लेकर गए। महिला के मुताबिक फरवरी 2022 को उनकी शादी हुई थी, लेकिन वो अपने प्रेमी गुड्डू के साथ शादी करना चाहती थी। ये बोलते हुए वो शोर शराबा करने लगी। महिला ने सीओ के सामने जमकर उत्पात मचाया। दो महिला कांस्टेबलों ने उसे बड़ी मुश्किल से काबू किया। एक महिला कांस्टेबल नीचे गिर गई। महिला कांस्टेबल किसी तरह उसे पकड़कर कैबिन में ले गई, फिर वह थोड़ा शांत हुई। सीओ ने कहा, महिला की हरकतें देखकर लगता है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उसे मायके और ससुराल पक्ष के सुपुर्द कर दिया गया। दूसरी हैरान कर देने वाली खबर देहरादून की है, जहां इस मनचले ने बाइक पर स्टंट तो दिखाए, लेकिन उसने खुद ही एक बड़ी भूल कर दी, और वो थी स्टंट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करना। फिर क्या था, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पुलिस के पास पहुंच गया और स्टंटबाज भैया धर लिए गए। लड़का देहरादून के ग्राफिक एरा स्कूल के पास बाइक से खतरनाक स्टंट कर रहा था। स्टंटबाज की बाइक को पुलिस ने सीज कर लिया है और उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए ट्विटर पर लिखा कि बाइक पर व्लॉगर द्वारा रैश ड्राइविंग व स्टंटबाजी कर वीडियो बनाया और लाइक्स व सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए यूट्यूब पर पोस्ट भी किया। यूट्यूबर ने माफी मांगते हुए आमजन से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। देहरादून में वायरल इस स्टंटबाज पर एक्शन के बाद पुलिस ने हिदायत दी है कि अगर आप गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तीसरी अनोखी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां एक पुल धड़ाम अचानक हो गया। पुल बड़वानी के गोई नदी पर बनाया गया था, लेकिन 46 साल पुराना ये पुल अब जर्जर हो गया। ऐसे में हमेशा किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती थी, जिसको देखते हुए प्रशासन ने इस पुल को जमींदोज कर दिया। हालांकि ट्रैफिक को देखते हुए प्रशासन ने दूसरे रास्ते का इंतजाम किया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने जो रास्ता बनाया है वो भी अच्छा नहीं है और उस पर भी बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल इस पुल को गिराने के बाद अब यहां पर नए पुल का निर्माण होना है। 215 मीटर लंबे इस पुल को पूरी तरह से गिरा दिया गया और इसके मलबे को हटाया जा रहा है। 1975 में इस पुल का निर्माण 31 लाख रुपए की लागत से किया गया था। इस पुल से लगभग 104 गांव के लोग आवागमन करते थे। फिलहाल जो नया पुल बनेगा वो बड़वानी के बोकराटा खेतिया होते हुए महाराष्ट्र को जोड़ेगा। हमीरपुर से नाहिद अंसारी, देहरादून से अंकित शर्मा और बड़वानी से जैद अहमद की रिपोर्ट।